नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप फोटोशॉप में किस तरह से चॉकलेट इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहां पर फोटोशॉप में पेज लेना होगा। तो पेज के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन करके भी पेज को ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर फाइल पर जाकर, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा न्यू का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इसका कुछ इंटरफेस इस तरीके से आएगा। यहाँ पर हाइट और विड्थ आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पर आप चाहें तो पिक्सल्स वगैरह, इंचेस वगैरह में जिसमें भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर पिक्सल ही रखिए और उसके बाद यहाँ पर कर दीजिए ओके। इसके बाद हमें एक न्यू लेयर लेनी पड़ेगी। तो न्यू लेयर लेने के लिए आप यहाँ पर देखिए कॉर्नर में हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू लेयर इंसर्ट हो जाएगी। लेयर आप यहाँ से भी ले सकते हैं या तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एन दबा करके भी लेयर को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर टूल्स पर जाना होगा और टूल्स में यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले रेक्टेंगल मार्क्यू टूल को सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल क्रिएट करना होगा इस तरीके से। रेक्टेंगल को क्रिएट करने के बाद यहाँ से आपको जाना होगा कलर्स के ऊपर और यहाँ पर कलर पर आपको क्लिक करना होगा। कलर्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कलर का कुछ इंटरफेस नज़र आएगा। इसमें से आपको यहाँ पर चॉकलेट कलर सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाना है रेड कलर की तरफ। तो रेड कलर की तरफ जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा चॉकलेट का कलर, तो यहाँ से आप डार्क कलर ले लीजिए चॉकलेट का इस तरीके से और यहाँ पर सिंपली प्रेस कर दीजिए ओके। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको इसको कलर फिल करना है, तो फिल करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा ऑल्ट के साथ डिलीट। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके रेक्टेंगल में कलर फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आएगा लेयर पैलेट के अंदर एफेक्ट्स का, यानी एड लेयर स्टाइल का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा बीवल एंड इम्बोस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बीवल और इम्बोस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्मूथ का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर लेना है चीजल हार्ड। चीजल हार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसके साइज को एक्सपेंड करना है। इसके साइज को आप अपने हिसाब से एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जितना भी हम साइज यहाँ पर रखेंगे उतना बाइट का यहाँ पर कॉर्नर रोटेट होता चला जाएगा, मुड़ता चला जाएगा, तो आप अपने हिसाब से साइज को सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद यहाँ पर प्रेस कर दीजिए ओके। ओके प्रेस करने के बाद ये जो सिलेक्शन आपको नज़र आ रहा है, सिलेक्शन को आपको डीसेलेक्ट करना होगा। तो डीसेलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ डी। जैसे ही आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे आप देखेंगे आपका जो सिलेक्शन था यहाँ से रिमूव हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से आपको लेना है सिलेक्शन टूल, यानी फर्स्ट सिलेक्शन टूल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को दबा के रखना है। ऑल्ट को जैसे ही आप दबा के रखेंगे आप देखेंगे आपके सामने डबल एरो शो होगा। इस डबल एरो को आपको क्या करना है, माउस से क्लिक को दबा के रखना है और नीचे की तरफ खींच देना है इस तरीके से। जैसे आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो एक बाइट थी उसकी डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, एक और कॉपी आ जाएगी। इसी तरीके से आपको नीचे भी ऑल्ट को दबा के रखना है और इसी तरीके से आपको जितनी कॉपीज आपको चाहिए उतनी कॉपीज यहाँ पर बना लेनी है। तो हमने इस तरीके से इसकी कॉपीज़ कर ली हैं। इन कॉपीज़ को करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से चले जाना है लेयर पैलेट पे। लेयर पैलेट पर जाने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड को आपको कर देना है हाइट। बैकग्राउंड को जैसे ही आप हाइट करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। इसके बाद आपको इन सभी लेयर्स को आपस में मर्ज करना होगा। तो मर्ज लेयर के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट ई। जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करेंगे तो आपके जितने भी लेयर्स थी वो सारी की सारी मर्ज हो जाएंगी। मर्ज होने के बाद इसे आप सेंटर में ले आइए और सेम एज इट इज़ जैसे ऑल्ट के साथ हमने कॉपी की थी उसी तरीके से इसकी भी पूरी कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर वापस से इसको कंट्रोल शिफ्ट ई दबा के मर्ज कर लीजिए। मर्ज करने के बाद आप बैकग्राउंड को यहाँ से ओपन कर लीजिए और इसको यहाँ पर साइड में सेंटर पॉइंट में ले आइए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है सिलेक्शन टूल के ऊपर और यहाँ से आपको लेना है लेसो टूल। आप देखेंगे यहाँ पर लेसो टूल है, लेसो टूल को सिलेक्ट करना है आपको और उसके बाद अपने हिसाब से इसको इस तरीके से ड्रॉ करके कटिंग कर लेनी है इसकी बाइट की। इसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्शन टूल यूज़ करना है और उसको इस तरीके से क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद अपने कीबोर्ड से आपको वापस से कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपकी जो सिलेक्शन था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। सिलेक्शन को रिमूव करने के बाद आपको यहाँ से जाना है फिल्टर के अंदर। फिल्टर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा लिक्विफाई का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। लिक्विफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको नीचे की तरफ हल्का सा खींच करके मेल्ट कर सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट टूल ले लीजिए। फर्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ से आप इसके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका ब्रश का साइज़ आप देखेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसके ब्रश के साइज़ को हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसको हम मिनिमम कर देते हैं यहाँ पर 100
100 करने के बाद इस तरीके से आपका जो साइज होगा ब्रश का वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, और उसके बाद आपको नीचे की तरफ इसको इस तरीके से खींच देना है ताकि ये मेल्ट नज़र आए। इस तरीके से इसको भी थोड़ा सा खींच दीजिए और उसके बाद कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपका चॉकलेट यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आप फोटोशॉप में चॉकलेट इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।